बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर सुभाष घई की बात करें तो सुभाष घई ने हाल ही में रिवील किया है कि वो जल्द ही संजय दत्त की एक सुपरहिट फिल्म का सीक्वल बनाने वाले हैं। जी हाँ, संजय दत्त की फिल्म खलनायक के सीक्वल पर काम चल रहा है, ऐसा रिवील किया है हाल ही में एक इंटरेक्शन में सुभाष घई ने। अपने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में सुभाष घई ने बताया था कि वो काम कर रहे हैं स्क्रिप्ट के ऊपर, पिछले 7 महीने पर वो कंटेंट बनाने पर काम कर रहे हैं और उनके पास 2 स्क्रिप्ट्स हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वो कालीचरण के रिमेक पे भी काम कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि वो खलनायक का सीक्वल भी बनाने वाले हैं। खलनायक के लिए भी उनके पास 2 स्क्रिप्ट्स थी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि ये पिछली वाली यानी कि ओरिजिनल खलनायक को आगे बढ़ाएगी ये स्टोरी और इस फिल्म में बिल्लू का किरदार जो है वो जेल से बाहर आएगा। वहीं उन्होंने ये भी रिवील किया कि पहले खलनायक में जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर को कास्ट करने की तैयारी की गई थी, हालांकि बाद में संजय दत्त के साथ काम करने का फैसला लिया गया। पहले आर्ट हाउस की तरह फिल्म को बनाने का काम चल रहा था। आपको बता दें कि खलनायक जो है संजय दत्त की मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज में से एक है और उनको इसी फिल्म की वजह से बॉलीवुड में खलनायक के नाम से भी जाना जाता है और उनके बहुत सारे फैंस भी उनको खलनायक के नाम से बुलाते हैं। सो अब देखना ये होगा कि संजय दत्त की खलनायक का जब सीक्वल आता है तो ऑडियंस उसको कितना पसंद करते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। फॉर मोर अपडेट्स की वॉचिंग गूगल बॉलीवुड।